सारे के सारे जो नौ ग्रह हैं, यूं तो सात कहते हैं और राहु केतु छाया ग्रह हैं, पर सारे के सारे नौ ग्रहों को बगैर खर्च करें, जहाँ हैं, जिस कंट्री में, सृष्टि के जिस कोने में हैं, उन ग्रहों को ठीक कैसे करें, इसी विषय में आज बात कर रही हूँ। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करम चंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। और आज व्यूअर रिक्वेस्ट पे ये कॉन्वर्सेशन शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गिव अस अ लाइक, और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर मत भूलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ऐसे गोल्डन नगेट्स हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अब नौ ग्रह, कुछ लोगों को अपनी जन्मतिथि नहीं पता, कुंडली नहीं है, समय नहीं पता, कोई बात नहीं। और कुछ लोगों को है, मानते नहीं, और जिन लोगों को है वो तंग आ चुके हैं सौ उपाय करके, या उनको एक सरल सा कुछ जीवन का व्यवहार पता हो जिससे उनके नौ के नौ ग्रह ठीक रहें। क्या करना है? उससे पहले आप समझें ये ग्रह क्या है। सूर्य क्या है? जो रोशनी देता है पूरी सृष्टि को। डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई विटामिन डी अपना ठीक रख। सूर्य ये है जो आपको नाम शोहरत देता है, आपके अंदर का वो कोर है, एक पर्पस है जो आपको जागृत रखता है, जैसे आपको लगता है कि रोशनी हो गई। चंद्रमा क्या है? आपकी सोच है, आपके इमोशंस हैं, आपका धन है, हर वो चीज़ जिसमें बहाव है। मंगल क्या है? आपका एक्शन है, आपकी एनर्जी है। अब ये ज़्यादा हो गई तो क्रोध हो सकता है, कम हो गई तो कॉन्फिडेंस की कमी भी कहते हैं। गुरु जुपिटर क्या है? ज्ञान, विजडम, बढ़ोतरी देता है। और बुध क्या है? आपकी इंटेलिजेंस, बुद्धि। राहु केतु क्या है? राहु बढ़ा देता है बाहरी चीज़ों को, केतु आपके आंतरिक चीज़ों को जोड़ने की बात कहता है। और शनि क्या है? कर्म है, जो कहता है तू नियम से कर। ये सारे के सारे ग्रह जब आपके जीवन में कुछ भी हो सही रहते हैं तब आपको मिलती है वैभवता, कहते हैं ना लक्ष्मी जी की कृपा हो। अब इनका पूरा का पूरा सीक्वेंस जब ये स्प्लिट हुआ, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई, न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं, किसी भी उसमें, लेकिन हर कल्चर में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ये मानता था कि कोई है ऐसी एक शक्ति जो उस व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ देती है। अब यही जब इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, चारों के चारों पहिए ना हो तो मुश्किल हो, या उन फोर व्हील्स में पूरी की पूरी एयर ना हो, या आपकी गाड़ी में गैस ना हो, या आपकी गाड़ी में एसी ना हो, तो यूं ही आपकी गाड़ी जीवन की सब ठीक चलती रहे। उन नौ ग्रहों को अगर आप हर तरीके से बैलेंस करके चलना चाहते हैं तो इसे एस्ट्रोलॉजी में कर्मा अलाइनमेंट भी कहते हैं, भृगु नंदी नाड़ी में भी यही कि ग्रहों के अनुसार चलो, न्यूमरोलॉजी में भी कि जो आपका अंक है उसके तत्व को, उसके सार को अपने जीवन में आत्मसार कर ले तो गाड़ी ठीक चलेगी। अब या तो अंगूठी या ग्रह या ध्यान या पूजा, इसके अलावा अगर आपको अपने जीवन में इन नौ ग्रहों को ठीक करके चलना है, उसे जीवन के हर रिश्ते से जोड़ा गया, आपको अपनी लाइफ में नेम फेम ग्रोथ चाहिए, फादर के साथ बना के चलिए। आते जाते सूर्य दिखता है, नमन करके चलिए, खास तौर पर सुबह का सन, आपका सन का एलिमेंट, क्योंकि आपकी सेहत ठीक रहेगी। मून आपका मनी भी है, मदर के साथ रिश्ता ठीक करिए, पानी को वेस्ट मत करिए, बहुत ज़रूरी है। और आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बैलेंस करने के लिए भी ये ज़रूरी है, पानी है, पेपर है, मनी है, वेस्ट मत करिए, जब खर्चा करें शुक्राने के साथ कि ईश्वर ने दिया है। आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या गुस्सा बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर ज़मीन पर बैठ जाइए, मंगल का एलिमेंट ठीक होगा। आपको याद नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बुद्धि का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, फोकस की कमी रहती है, तब उसके लिए क्या करें? हरी चीज़ों को यूज़ करें, घास पे वॉक करिए, छोटे बच्चों के साथ थोड़ा खेलिए, अपने घर की किताबों को इधर उधर फैलाइए मत। जुपिटर गुरु ग्रह, किसी को गुरु बना लीजिए, वो जिसकी आप सलाह मशवरा लेके काम करते हैं,
ज्ञान सीखना शुरू करिए और ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए, डाउट मत रखिए। राहु, किसी भी चीज के पीछे आपका जुनून है, आप भाग रहे हैं, दो पल के लिए रुक के किसी ऐसे से पूछे जिस पे आप भरोसा करते हैं, सलाह मशवरा ले, क्या ये ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो भ्रमित कर रहा हो सकता है। यू आर मेड टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग, जो आज तक किसी ने नहीं किया, पर किसी की सलाह के साथ आपको रिकॉन्फर्मेशन हो जाएगा। केतु, जमीन पे बैठ के ध्यान करिए, ध्यान आपका केतु ठीक रहेगा। अपने बड़ों को रोजाना याद करिए, अपने एंसेस्टर्स को शुक्राना करिए, काम बना तो भी, नहीं बना तो भी, दिक्कत में है तो कहिए मदद कीजिए, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ या आगे भी जो आप ले जाए, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। ये आप जब रोजाना करते हैं, जो आपके सेवादारी हैं या आप जिनकी सेवा करते हैं, चाहे PM हो, चाहे CM हो, चाहे कंपनी का CEO हो, उसके ऊपर भी कोई तो है जिसकी सेवा लेते हैं और जिसको सेवा देते हैं एक समान। क्या आप ट्रीट करेंगे जो आपकी सेवा करते हैं विद रिस्पेक्ट, जिनकी आप करते हो? स्वभाव में कितना परिवर्तन है, आपको लगता है मैं तो मालिक हूँ। घर में जो आपके सेवादारी हैं, लाइफ में जो हैं सबकी, ये नहीं कहूँगी फिर आप कहेंगे वो तो सिर पे बैठ जाएंगे। देखिए, आपकी पहले ही सोच ऐसी है, रिस्पेक्ट एवरीवन इन द सेम वे। क्यों, आपको जो इज्जत चाहिए वैसे ही आप हर एक को इज्जत दीजिए, और ये है शनि का मूल मंत्र। न मंत्र उच्चारण करने की जरूरत पड़ेगी आपको, न अंगूठी की, न कोई हवन, न पूजा, न दान। ये हर ग्रह आपका नियम से अगर आपने करा, हर फीमेल की रिस्पेक्ट करिए। देवी स्वरूप में नवरात्रे आ रहे हैं, देवी स्वरूप को सिर्फ 9 दिन क्यों पूजना? वो एक देवी स्वरूप है माँ सरस्वती, जो ज्ञान देती हैं, वो है देवी लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी, जिसके पीछे सारी सृष्टि भागती है, और वो वहीं बैठती हैं जहाँ शांति हो, सुकून हो, शांति नारायण का स्वरूप। क्या आपके घर में आप ईश्वर का शुक्राना भी नहीं करते? आपको लगता है मैं तो, फिर आपको लगता होगा खर्चे हद से ज़्यादा हो रहे हैं, आने से पहले चले जाते हैं। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे आपकी वाइफ हो, सबकी आपको इज्जत करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे आप सबकी करते हैं, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपका नाम खराब करते हैं। यहाँ मैं कहूँगी देश काल पात्र, अगर आप मुंह से इज्जत अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो गलत किसी के लिए मत करें। अपनी तरफ से आप सही चलिए, क्योंकि आप किसी की सोच बदल नहीं सकते, आप किसी का रवैया नहीं बदल सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप गलत ना करें। जब ये सारी चीज़ अलाइंड हैं, आपका शुक्र वीनस ठीक रहेगा, आपका सैटर्न ठीक रहेगा, आपका राहु, आपका केतु, आपका मंगल, आपका मरकरी, आपका मार्स, आपका सन, आपका मून, रोजाना ये सब में अगर आपसे कभी चूक भी हो गई, भूल गए, रोजाना नहीं कर सकते हैं, जब कोई बड़ा मिले, अगर उनके पैर छूने का मौका मिल जाए तो झुकिए। दिखावे वाला नहीं कि हाथ बस ये छुआ, वो हाथ कंध घुटने और पैर की जगह बस यूं ही रहता है, झुकिए। जब व्यक्ति झुकता है उसमें नम्रता आती है, तब उसके ग्रह उसे उठाते हैं। आपकी लाइफ में दिक्कत, अब देखिए ग्रहों का तो काम है, मान लीजिए जिसे आपने काम सौंपा हो, अपने काम को कैसे नहीं करेगा, वो काम करेगा, लेकिन अगर काम करने से पहले वो ग्रह आपको पीड़ा देने से पहले ही देख ले, भाई मैं जो इसे पीड़ा दे के सिखाने आया था वो तो स्वतः ही कर रहा है। यू आर नेचुरली ऑन योर ओन डूइंग व्हाट द टाइम और द स्ट्रगल वॉज अबाउट टू कम टू टीच यू, देन टेल मी, वुडंट द टीचर बी हैप्पी? बिफोर यू वर अबाउट टू गिव एग्जाम, यू वर प्रिपेयर्ड, यू वर रेडी, सो वेन द एग्जाम कम्स यू वॉन्ट बी स्ट्रेस, यू वॉन्ट बी वरीड, एंड यू नॉट गोइंग टू फेल। That is the job of the 9 planets, पूरे के पूरे 9 ग्रहों को। फिर आप कर्मा अलाइनमेंट कह दें, किसी भी ज्योतिष, चाहे वो लाल किताब हो, भृगु नदी नाड़ी हो, चाहे KP हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, आज से नहीं, शुरू से ये बात चली आ रही है कि अगर आप ये अपने काम करते हैं, अब आप कहेंगे आप अच्छा चलते हैं, सामने वाला नहीं चलता, आपके हाथ में क्या है जो आप कर सकते हैं? 9 ग्रहों को ठीक रखना हो, बगैर किसी अंगूठी पहने, बगैर किसी हवन और पूजा के, अपने रोजाना के उसमें, जब कभी काम करते हैं, अगर आप कहेंगे आपकी फीमेल बॉस ही आपके लिए दिक्कत करती हैं, आपकी अपनी कजन सिस्टर्स इन लॉज के साथ ही नहीं बनती,
अगर कोई लंबी बीमारी है उसको ठीक होने में समय लगता है। आप अपने एक्शंस, आप अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं, औरों को नहीं। मन से भी व्यक्ति जब गलत सोचता है वो भी कर्म गलत होता है। अपनी चेष्टा, क्यों एक माँ बन के ही ठीक करें? क्यों जहाँ आपका रिश्ता बदलता है सोच बदलती है? आप अपने कर्म ठीक करना चाहते हैं ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। अगर आपके पेरेंट्स जीवित नहीं हैं, आप किसी को गुरु शरीर के रूप में नहीं बना सकते, आप उनकी संगत में नहीं हैं, मन से तो आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं ना। देर आर मेनी वेज, ना करने के 100 बहाने, करने का सिर्फ एक वजह है, एक ही कारण है। उन ग्रहों की जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, ऐसा करने से इजीली बैलेंस हो जाएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी बातें आप लगातार ऑलरेडी करते आ रहे हैं, या जब आपने करना शुरू किया तो आपको अपने जीवन में क्या परिवर्तन नज़र आया। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।